मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस का खतरा देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है और कल रात से ही सोशल मीडिया में मुंब्रा में एक मैसेज वायरल हो रहा है कि मुंब्रा के संतोष नगर के श्रीन अपार्टमेंट में रहने वाले मिर्जा मेहदी, जिनकी उम्र 23 साल है, उन्हें कोरोना वायरस है, जिसके बाद मुंब्रा शहर में इस मैसेज को लेकर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ईरान से मिर्जा मेहदी वापस लौटे तो उन्हें कोरोना से संक्रमित पाया गया, मगर इस पर जब हमने मिर्जा मेहदी से बात की तो उनका कहना है कि मैसेज किसी ने गलत तरीके से फैलाकर शहर में अफवाह फैला दी है। हालांकि मिर्जा ने बताया कि ईरान जाकर वापस जरूर आए हैं, मगर उन्हें वापस लौटे 40 दिन गुजर गए हैं और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे कोरोना वायरस नहीं हुआ है और मैं अस्पताल में भी भर्ती नहीं हुआ था। मैसेज वायरल किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। जो इन्फॉर्मेशन इस मैसेज में दिया गया है उनके बारे में वो आधा अधूरा है। इसमें इनकी उम्र 27 साल बताई गई है जबकि मिर्जा ने अपनी उम्र 23 साल बताई है। बहरहाल मुंब्रा शहर में ये मैसेज तेजी से फैल रहा है और लोग एहतियात के तौर पर सड़कों पर मास्क लगाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मिर्जा मेहदी ने बताया कि जब से वो ईरान से वापस लौटे हैं तब से TMC के कर्मचारी उनके घर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए कई बार आ चुके हैं। मिर्जा ने इस मैसेज और खुद को कोरोना संक्रमित होने को सिर्फ अफवाह करार दिया है। सुनिए मिर्जा मेहदी ने इस मैसेज के बारे में और खुद को कोरोना से संक्रमित होने के बारे में क्या जानकारी दी है। आपको जो है कोरोना वायरस संक्रमित पाया गया है तो क्या ये पूरा मसला है? क्या आपके यहाँ TMC के अधिकारी भी आए थे? मेरे घर पे मैं गया था यहाँ से 24 जैन को और रिटर्न आया हूँ 4 फेब को, और जो रिपोर्ट आई है वो एकदम गलत आई है, एज से भी डिफरेंट हो रहा है। और दूसरा, मेरे घर पे 3 से 4 बार TMC मतलब म्यूनसिपल आ चुके, मुझे मतलब मम्मी को भी देख के गए, सब कुछ पूछ पाछ के गए, आजू बाजू में भी सब पूछ पूछ के गए कि कुछ बीमारी तो नहीं है इन लोग को। कितने लोग आप लोग वहाँ पर गए थे ईरान जब? हम लोग का पूरा एक ट्रैवल गया था जो हम लोग ज्यारत करने ईरान गए थे। इसमें जो ये मैसेज चलाया जा रहा है, इसमें आपकी उम्र जो है 27 साल बताई जा रही है, 27 साल है? मेरी उम्र है 23 और उसमें डेट भी डिफरेंट आ रहा है, एक हिसाब से 2 अप्रैल दिखा रहा है उसमें। TMC के मतलब जो आए थे उन लोग खाली मतलब अपना एयरपोर्ट से उन लोग को एक पेपर दिया गया था, जो जो मतलब अराइवल हुए है उन लोग के मतलब म्यूनसिपल के पास एक एक के मतलब एरिए में गया था, उन लोग को खाली बोला गया था कि जाके चेक करो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है उन लोग को, कुछ जैसा बीमारी जैसा बोलते हैं कि कोरोना वायरस का जो है बुखार उतरना चढ़ना, खांसी ज़्यादा आना, सर्दी एकदम रहना, तो वो सब लोग चेक करने आते जाते रहते थे। तो आपको ऐसा कुछ कभी महसूस हुआ, बुखार खांसी वगैरह? मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ है। मैं 4 फेब को आया और 6 फेब से मैं अपने जॉब पर भी आ गया और मुझे जॉब पे मैं डेली अप डाउन भी कर रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। यानी 40 दिन आपको ईरान से आए हो गया है, अभी तक आपको कोरोना वायरस के जो लक्षण है वो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है? नहीं कुछ तो भी। जो मैसेज चल रहा है सोशल मीडिया पर तो ये क्या है, कैसे फैलाई? ये फेक किसी को मिला गया है ये डराने के लिए मुंब्रा में भी और फैलाया जा रहा है, और दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है उसके लिए। उन लोग ने तो फिलहाल वैसा जानकारी तो उन लोग ने दिए नहीं है, बट आके पूछ के गए हैं, कल उन लोग वापस आने वाले हैं और अपना कुछ मीटिंग वगैरह भी मैंने सिस्टर को फ़ोन लगाया था म्यूनसिपाल्टी से सुबह, जब मेरे को कल रात में मिला तो मैं मॉर्निंग में फ़ोन लगाया तो उनसे बात हुई है, तो वो बोले कि कल हम लोग मंडे के दिन हम लोग आते हैं वापस से, दोबारा आएंगे वो लोग। हाँ, कल दोबारा वापस आके क्या है क्या नहीं पता चलेगा। और एक्चुअल में जो है उन लोग के सर लोग ने भी बता रहे कि हम लोग ने कुछ ऐसा ये लोग ये पास आउट नहीं किए कि उसको कोरोना वायरस है मिर्जा मेहदी अब्बास को। नहीं सर, मैं ऐसी भी बात चल रही है कि आपको जो है एयरपोर्ट से जब उतरे तभी आपको जो है वहाँ पर ले लिया गया, हॉस्पिटल डायरेक्ट भेज दिया गया? नहीं ऐसा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं मेरा मतलब ऐसा उन लोगों ने खाली मतलब बाहर निकला मैं और डायरेक्ट अपने घर पर आ गया हूँ मैं, और ऐसा कुछ हॉस्पिटल वगैरह मुझे कोई लेके नहीं गया अभी तक, वो पूरा सरासर फेक है क्योंकि सबको मालूम है, मेरी बिल्डिंग में मालूम है, डायरेक्ट जिस दिन आया उस दिन से घर पे ही हूँ, खाली जॉब पे जा रहा हूँ, जॉब से आ रहा हूँ घर पे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।